दोस्तों, आप सभी को जय शिव। क्रिसमस की तैयारी के इस अवसर पर आज हम सौम्यता के बारे में मनन चिंतन करेंगे। दोस्तों, सौम्यता एक ऐसा गुण होता है जिसे हम अपनाना चाहते हैं। संत पौलुस कहते हैं, सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएं। सौम्यता मनुष्य का एक ऐसा भाव होता है जिससे वास्तव में मनुष्य प्रशंसा के योग्य बनता है। सौम्यता का दूसरा अर्थ है दयालु, बाइबल की भाषा में नम्रता। क्या आप सौम्यता का गुण अपनाना चाहते हैं? जिस मनुष्य के पास सौम्यता का गुण है, वह कभी गुस्सा नहीं करता और कभी गुस्सा से जवाब नहीं देता। एक वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाता है, एक मनुष्य अपने कर्मों से। मित्रों, आज से हम सौम्यता से बात करना और व्यवहार करने के निर्णय लेते हैं। जब कलकत्ता की मदर तेरेसा भीख मांगने के लिए निकल पड़ी, तब वह एक बड़े दुकानदार के पास पहुंची और अपना हाथ बढ़ाई। तब उसने गुस्से से उनके हाथ पर थूक दिया। तब मदर तेरेसा मुस्कुराते हुए अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और कहा, यह मेरे लिए और अभी मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दीजिए। तब उसका मन बदल गया और उसने दान में बहुत कुछ दे दिया। स्तुति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि कोमल उत्तर क्रोध को शांत करता, किंतु कड़ू वचन क्रोध भड़काता है। हे प्यारे प्रभु, हमें सौम्यता से व्यवहार करना सिखाइए। सौम्यता की किरण हमारे जीवन में धीरे धीरे बढ़ते जाए। आमीन। यीशु।